जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले आज तमाम जो प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं एम्प्लॉयज की आज सिंबॉलिक प्रोटेस्ट पर थी और इस प्रोटेस्ट में सिर्फ हमने लीडरशिप को बुलाया था और आपको मालूम होना चाहिए ये आज का प्रोटेस्ट जो है ये जम्मू कश्मीर के 61,000 एडहॉक डेली वेजर्स और टेम्परेरी मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन के हक में आज का प्रोटेस्ट बुलाया गया हमने यहाँ पर उसका इनकार किया था और हमने बारह रियासी सरकार को बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिस में भी थ्रू रिप्रेजेंटेशन डेलीगेशन और प्रोटेस्ट के जरिए उनके उनकी पास बात पहुँचाने की कोशिश की कि ये मामला हल किए जाएँ ये एक इंसानी मसला बन चुका है और हम बार बार सरकार पर को बावर कराना चाहते हैं कि ये इंसानी मसला जल्द अज जल्द हल हो और जितने भी मुलाजमीन हैं गालिबन 61,000 जो सरकारी एदाद व शुमार हैं उनको रेगुलराइज किया जाए और जब तक उनकी रेगुलर पॉलिसी बनती है तब तक हम उनके लिए मिनिमम वेज एक्ट का मुतालबा करते हैं और अगर आज के प्रोटेस्ट के बाद भी सरकार की नींद न जगी तो हमारा फैसला यह है कि जम्मू कश्मीर के तमाम अजला जो हैं डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर्स हैं उन पर वहाँ पर वो हमारे मुलाजमीन जो हैं एहतजाज करेंगे और उसके जरिए जितने भी यहाँ पर परेशानियाँ लाख होंगी लोगों को आवाम को मामलात के हवाले से उसकी तमाम तर जिम्मेदारी सरकार की होगी आपके जरिए हम सरकार को फिर एक बार ये बावर कराना चाहेंगे कि ये मसला जब तक हल नहीं होगा जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट की जो लीडरशिप है हमने तय किया हुआ है हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। तकरीबन 20% हैं 61,000 जो हैं उनमें से 21% ऐसे लोग हैं ये रफली मैं कह रहा हूँ जिनका एक साल या दो साल या तीन साल या बिल्कुल रिटायरमेंट के करीब है लेकिन 20 साल तक नौकरी करने के बावजूद भी कुछ आपको पता है मीगर सैलरी उनको मिलती है और कई अमवात भी हुई हैं दौरान ड्यूटी लाइन ऑफ ड्यूटी उनकी अमवात भी हुई हैं लेकिन उनके लिए आज तक कोई SRO नहीं कोई कंपनसेशन नहीं है यह इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है बार बार हम इसको दोहराते हैं लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है आज हम फिर एक बार कह रहे हैं हमारे लिए अब ये डू और डाई का मसला बन चुका है हम किसी भी सूरत में इसके साथ कोई कंप्रोमाइज करने वाले नहीं है।